اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى اله واللعنه الله على عداه مجمعين من الجن والانس من الاولين والاخرين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وهل عقدتي من لساني يفقهوا قولي اللهم عجل لوليك الفرج Respected brothers and sisters, السلام عليكم ورحمه الله thank you very much for joining को जानो की इस सीरीज में आज हम एपिसोड टेन में जिन दो अब कराम का जिक्र करने जा रहे हैं उनका नाम है जनाब अलीब नेहमा और जनाब हम ईसा अलमान जनाब अलीब ने बिलोंग करते थे ओरिजिनली लेकिन वो बगदाद में रहते थे और वो हमारे सातवें इमाम इमाम मूसे काजिम्लाम के बहुत ही खास सहाबियों में से थे उनकी विलादत जो है कूफे में वन हिजरी में हुई थी लेकिन मरवान हेमार जो कि बनी उमैया का लास्ट बादशाह था आखिरी बादशाह था लास्ट खलीफा था उसके डर से जो है जनाब अलीब ने के फादर जो है कूफे से मूव हो गए थे और वो लोग जो है छुप गए थे जब मरवान हेमार जो है वासिल जहन्नम हुआ और बनी अब्बास के खलीफाओं ने जो है तख्त पे बैठे तब जो है ये लोग जो है अंडरग्राउंड जो थे वो बाहर आए छुपने से बाहर आए और नॉर्मल जिंदगी जीने लगे जब हारून अब्बासी का दौर आया तब जो है हारून अब्बासी ने अलीब ने यतीन को जो है अपना प्राइम मिनिस्टर बनाने की ऑफर दी जस्ट इमेजिन हारून अब्बासी लानतु जो लानतुल्ला पर इतना जुल्म करता था ऑल दो वो जानता नहीं था कि जनाब अलीब ने यकीन जो है शिया है उसने जो है इमाम अलीब ने यकीन को अपना प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए ऑफर दिया जनाब अलीब ने यतीन सातवें इमाम के चाहने वाले थे वो उन, उनके पास गए उनसे पूछा मौला मेरे लिए क्या हुक्म है क्या मैं इसका प्राइम मिनिस्टर बनूं तो इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा यस तुम उसके प्राइम मिनिस्टर बनो और यह ध्यान रखना कि तुम जो है अहले बैत अहलबैत के चाहने वालों को का डिफेंड करो और उनको जो है बचाओ और उनकी जो है मदद करो अब अली ने अक्न जो थे वो एज अ प्राइम मिनिस्टर थे और जनाब अली ने अक्न के बारे में कि छठे इमाम इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने जो है उनको उनके लिए बचपन में दुआ की थी और जनाब अलीब न इतने जेनेरस थे कि वो हर साल 150-150 लोगों को जो है हज पर भेजा करते थे अब प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद जो है हारून अब्बासी के दरबार में कई लोगों ने जो उनके खिलाफ साजिश की और हारून से कहा कि ये जो है इमाम का चाहने वाला है तब अलीब ने यकतीन ने इमाम से पूछा कि मौला मेरे लिए क्या हुक्म वजू कैसे करते जब मसा करना है तो मैं पैर का मसा करूं या पैर धोऊं जो हमारे सुन्नी बरदरान है वो पैर धोते है और हम जो है पैरों का मसा करते तो इमाम अल्लाम ने उनसे कहा अः अलीब अकतीन तुम जो है पैर धो अब अलीब ने अक्न सोच रहे कि मेरे को तो जितना याद है पैर मसा करना होता है बट ये इमाम पैर धोने क्यों बोल रहे बट उन्होंने पैर धोना शुरू कर दिया अब हारून ने कहा जब उसको भड़काया गया तो उसने कहा चलो देखते अलीब ने अकतीन वजू कैसे करते अगर वो वजू शिया तरीके से करते तो मैं मान जाऊंगा और उसे कत्ल कर दूंगा और अगर नहीं तो फिर मैं तुम लोगों को कत्ल कर दूंगा जब अलीबन यकतीन वजू कर रहे थे और जब पैरों की बारी आई तो उन्होंने जब पैर धोया तब हारून अब्बासी को यह यकीन हो गया कि अलीबन इमाम के चाहने वाले नहीं और उसने उनके दुश्मनों को जो है खत्म कर दिया उसके बाद इमाम का लेटर है ए अलीबन अपनी पुरानी हालत में लौट जाओ दूसरा इंपॉर्टेंट इंसिडेंट जो उनकी लाइफ का है वो है कि एक बार एक गरीब शिया जो है अलीब ने दरवाजे पर मिलने आया था और उन्होंने कहा मैं कुछ बिजी हूं मैं भी मिल नहीं सकता और वो दूर से आया था और वो वापस चला गया फिर जब अलीब ने अलैहिस्सलाम से मिलने गए तो इमाम ने उनसे मिलने से मना कर दिया तो अलीब ने अक्म बहुत टेंशन में आ गए इमाम आप मुझसे क्यों नहीं मिल रहे तो इमाम अलैहिस्सलाम के खादिम ने कहा कि इमाम कह रहे कि मेरा एक चाहने वाला तुम्हारे पास आया था और तुमने जो है उसकी जो है उसको भाव नहीं दिया तुमने जो है उसको टाइम नहीं दिया और इस वजह से जब तक तुम उससे जब तक वो तुमसे नाराज है मैं तुमसे खुश नहीं हूंगा अलीब ने अक्म बहुत टेंशन में आ गए बोले मैं जाऊं कैसे इतनी दूर इमाम ने सवारी अरेंज की वो सवारी पे बैठे रातों रात जो है वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए वहां पे उस शिया के घर पे गए उसका दरवाजा खटखटा वो टेंशन में आ गया प्राइम मिनिस्टर मेरे घर के बाहर क्या हो गया अलीब ने तो बोले मेरे इमाम मुझसे नाराज है क्योंकि तुम मुझसे नाराज हो बोले मैंने तुम्हें माफ किया बोले ऐसे नहीं अलीब ने जमीन पर लेटे और कहा कि मेरे रुखसार पर जो है मेरे गालों पर जो है तुम अपने पैरों के निशान को लगाओ ताकि मैं मेरे इमाम को दिखा सकूं कि मैं जो है शर्मिंदा हूं मैं जो है अशेम्ड हूं अपने काम से और आपने जो है मुझे माफ कर दिया है जब ये निशान लेकर अलीब ने यतीन गए तो इमाम मूसे काजिम ने दोनों हाथों से उनका वेलकम किया ये हमें बताता है कि अगर इमाम का कोई चाहने वाला हमसे नाराज हो तो इमाम हमसे खुश नहीं हो सकते अलीब ने यतीन के बारे में कि 180 या 182 हिजरी में इस दुनिया से गए सेकेंड साहब जिनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे सॉरी थोड़ा टाइम एक्सटेंड हो गया वो है हम्माद इब्ने ईसा जनाब हम्माद इबन ईसा के बारे में है कि इन्होंने चौथे इमाम इमाम अली इब्न अल हुसैन जैन अलाबीन से लेकर नवे इमाम इमाम मोहम्मद तकी जवाद सलाम तक तमाम इमामों का दौर देखा मतलब इतनी लंबी उनकी जिंदगी थी और वो जो है एक रिलायबल एक भरोसेमंद नरेटर ऑफ हदीस थे हदीसों को बयान करने वाले थे हम्माद इबन ईसा के बारे में कि वो इतने केयरफुल थे हदीसों को बयान करने में कि उन्होंने इमाम सादिक से सिर्फ सेवेंटी हदीसें नरेट किए बाकी असहाब को देखो तो उन्होंने बहुत नरेट किया लेकिन हम्माद इब्ने ईसा ने सिर्फ 70 हदीज़ नरेट किए और उसमें से भी उन्होंने 20 ऐसी हदीस सिलेक्ट की कहा इसमें जो है कोई शको शुभा नहीं है जनाब हम्माद इब्ने ईसा के बारे में कि वो इमाम मूसी काजिम के पास गए और उनसे कहा कि मेरे लिए दुआ करो कि मेरा घर हो मेरी वाइफ हो सर्वेंट्स हो और मैं हर साल हर, पचास बार हज कर सकूं इमाम मूसी काजिम ने दुआ की हम्माद इब्ने ईसा ने अपनी जिंदगी में पचास हज किए फिफ्टी हज लेकिन जब वो 51 हज करने गए तब जो है जब वो एहराम बांध रहे थे तब एक बाढ़ आई और वो जो है इस दुनिया से बाढ़ में बहकर इस दुनिया से रहलत कर गए इनशाला कल फिर मुलाकात करेंगे दोनों ऐसा हाँ की स्टोरी के साथ व आखिर उदावाना रबीन बर मोहम्मद वाल मोहम्मद सलवाद लोहम्मद वाल मोहम्मद वाजिल फरजहम